हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सैलरी की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है और साथ में उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है और जल्द ही इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम इनकी सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड सेट द नोटिफिकेशन टू ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जो कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए 10/9/2021 को जारी किया गया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जर्नल के नीचे पॉइंट नंबर 1 में क्या मेंशन है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द ऑनलाइन फॉर्मेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग पे स्केल्स। तो पे स्केल देखिए, 59/10 से 20/200 प्लस ग्रेड पे 1900। तो इनिशियल स्टार्ट मिलेगी 78/10 और आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस पे बैंड विल चेंज टू 10/334/800 प्लस ग्रेड पे हो जाएगी 3200। लेकिन जो 8 साल की बात यहाँ पे मेंशन की गई है, वो नोटिफिकेशन जो आई थी 2021 को आई थी उसके अकॉर्डिंगली मेंशन की गई है। लेकिन बाद में ये जो टाइम पीरियड है 8 साल का, इसको चेंज कर दिया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल वैकेंसीज की बात करें इन कॉन्स्टेबल्स की, तो जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल्स की टोटल वैकेंसीज हैं 1243, इसमें मेल्स हैं 932 और फीमेल 311, और कॉन्स्टेबल ड्राइवर्स मेल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 91। तो टोटल वैकेंसीज जो भरी जाएंगी 1334, और इन 1334 वैकेंसीज की डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 293 पद कॉन्स्टेबल के भरे जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें हाइट के 5 नंबर ऐड किए जाएंगे। रिटन टेस्ट जो हो चुका है उसमें 80 नंबर ऐड होंगे, और साथ में जो इवेल्यूशन ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, यानी कि सर्टिफिकेट्स की जो वेरिफिकेशन होगी उसके आधार पर जो मार्क्स मिलेंगे उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 15। तो कुल मिलाकर 100 में से जितने भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे कैंडिडेट के, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। जैसा कि हमने 8 साल की अवधि की बात की थी, उसमें एक अधिसूचना जारी की गई जयराम सरकार के द्वारा अप्रैल 2022 में, जिसमें ये मेंशन किया गया कि क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों को 2 साल अनुबंध पर नियुक्ति और अनुबंध अवधि के पूरा होने के 2 साल बाद संशोधित पे बैंड के लाभ मिलते हैं। लेकिन पुलिस कांस्टेबल्स को पहले ये लाभ मिलते थे 8 साल के बाद, लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने के बाद पुलिस कांस्टेबल्स को भी इतनी ही अवधि, यानी 4 साल पे बैंड और ग्रेड पे के लाभ मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2022 की, यानी कि 6th पे कमीशन जो था उसकी नोटिफिकेशन की, जो कि 3 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जैसा कि आपको बताया कि जो ग्रेड पे है वो है 1900, तो जो 6th पे कमीशन की नोटिफिकेशन है उसके आधार पर 1900 ग्रेड पे लेवल 3 में आता है, यानी कि 1900 ग्रेड पे का जो लेवल है वो है लेवल 3 और इनिशियल है 78/10। तो बेसिक जो बनेगी इसमें 20,200, स्टार्टिंग में 20,200 बेसिक बनेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक फंडा और है। मान लेते हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सैलरी किसी क्लर्क की, तो जो सेल 1 है उसमें 20,200 मेंशन है बेसिक, तो उस बेसिक का 60% मिलेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि 2 साल तक बेसिक का 60% मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं, जो नौकरी है वो रेगुलर होती है, ये तो हमें पता है, तो रेगुलर होने के कारण यहां पे फिर 60% का कंसेप्ट नहीं आता है, इन्हें मिलेगी 20,200 बेसिक। अब इस बेसिक के ऊपर जो 20,200 बेसिक है, इसके ऊपर लगेगा डीए, 31% डीए लगेगा, तो हम 20,200 में 31% डीए को जोड़ लेते हैं, तो ये बनेगा 6,262, यानी कि जो डीए बनेगा वो 6,262, वो 20,200 में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, बेसिक 20,200 में 31% डीए, यानी कि 6,262 रुपये मिलाकर टोटल बन जाता है 26,462 रुपये।
तो इतनी सैलरी कम से कम तो मिलेगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसके साथ जो अलाउंसेज हैं भत्ते, वो डिपेंड करेंगे कि एरिया ऑफ पोस्टिंग कौन सी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अलाउंसेज में जैसे कैपिटल अलाउंस, कंपेंसेटरी अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस और भी अदर अलाउंसेज हैं, राशन अलाउंस, तो वो अलाउंसेज मानते हैं 700-800 रुपये, उन अलाउंसेज को भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद इन कॉन्स्टेबल्स की ट्रेनिंग शुरू होगी, तो इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी इनको ये सैलरी मिलेगी। और जब 4 साल की रेगुलर सर्विस हो जाएगी, उसके बाद ग्रेड पे 1900 से 3200 पे चेंज हो जाएगा और जो स्केल हो जाएगी वो 10-300, 34-800 पे पहुंच जाएगी। तो उस समय पे मैट्रिक्स के हिसाब से इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेल 1 में बेसिक है 20,200, सेल 2 में यानी कि अगले साल इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पहुँच जाएगी 20,800, फिर उसके बाद 21,400, फिर 22,000, तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और साथ में फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।